दारू पीते थे थाना से मिलता था आरो बोलो। हमारे समाज में नशे को सदा बुराइयों का प्रतीक माना और स्वीकार किया गया है, लेकिन आजकल नशा फैशन बनता जा रहा है। समाज का एक बड़ा तबका युवा वर्ग नशे का आदि हो रहा है। नशा का असर अब छोटे शहरों व कस्बों में तेजी से दिखने लगे हैं। बच्चे देश के भविष्य हैं और हमारा भविष्य खतरे में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युवाओं के साथ अब बच्चे भी नशीले पदार्थों के सेवन का शिकार हो रहे हैं। दरअसल भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप कुछ ऐसे बच्चों का गैंग देखा गया जो घर परिवार और शिक्षा से दूर होकर नशीले पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से कर रहे हैं। आलम यह है कि बिहार में शराबबंदी के कारण यहां नशा करने वाले युवा और बच्चे कफ सिरप, पैन किलर, इंजेक्शन, स्मैक, चरस, गांजा जैसे अन्य कई विकल्पों को अपना रहे हैं। इसके अलावा सुलेशन, वाइटनर, फैवी बॉन्ड का इस्तेमाल भी नशे के रूप में किया जा रहा है। जबकि नशीले पदार्थों को खरीदने के लिए ये बच्चे चोरी करने के साथ आपराधिक घटना को भी अंजाम दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर डॉक्टर आनंद सिन्हा का कहना है कि नशे के दूसरे अन्य विकल्पों का इस्तेमाल शरीर में काफ़ी हानि पहुंचाता है और इसका सेवन नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि वाइटनर, फैवी बॉन्ड जैसे नशीले पदार्थों का लगातार सेवन करने से मौत भी हो सकती है। साथ ही डॉक्टर आनंद सिन्हा ने कहा कि बच्चे नशे के आगोश में समाते जा रहे हैं, यहाँ उन्हें जागरूक करने के साथ इस पर रोक लगाने की भी जरूरत है। बच्चे बोले क्या पीते हो? सुलेशन पीते हैं, गम में पीते हैं, दारू भी पीते थे थाना से मिलता था। आरो बोलो। अरे कौन थाना से? जार पे थाना से। आप हैं? आप नहीं मिलता। अभी सुलेशन पी रहे हैं। क्या होता है सुलेशन पीने से? कुछ ना होता है, नशा नहीं चढ़ता है इसमें। बहुत ही हानिकारक है। सबसे पहले तो सांस के लिए बहुत हानिकारक है। यूजुअली इसमें जो लोग इनहेल करते हैं, ये बच्चे लोग आजकल जो इनहेलेन करते हैं, ऐसे सब्सटेंस रहते हैं उसमें जिनकी वोलेटाइल बहुत होते हैं और विस्कोसिटी कम होती है, ताकि आराम से सांस में जाए। समझे? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल उसका पेट्रोल है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ में उसमें हाइड्रोकार्बन रहता है, जैसे एसीटोन और ये। तो जितना भी गम प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग के घर में सुलेशन आता है जो जूता वूता चिपकाने में, तो वो सबसे जो इनहेलेशन होता है, तो सबसे पहले तो फेफड़े के लिए बहुत ही नुकसानदायक, क्योंकि वो गैस जो है लंग्स का जो एल्वोली होता है उसके हवा को रिप्लेस कर देता है, तो लॉन्ग टर्म में लंग्स को बहुत नुकसान पहुँचाता है। दूसरी बात है कि वहाँ लंग से वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से ब्रेन में पहुँच करके वो हाई, जो आजकल हाई बोलते हैं ना, हाई प्रोड्यूस करता है, जिससे उसको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम जीत रहे हैं, हर कुछ उसको अच्छा फील होता है। लेकिन फाइनल इसका जो इफेक्ट होता है ब्रेन पे भी काफ़ी ख़राब होता है, बहुत ही ख़राब होता है। इससे चमकी भी की भी बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, और बहुत में ऐसा भी देखा गया है कि सडन कार्डियक डेथ भी हुआ है, कि अचानक से हार्ट में अरिदमिया हुआ और पेशेंट कोलैप्स कर गया, जिनको ज़्यादा आदत हो जाती है।